गुड मॉर्निंग हिमाचल, आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। चिट्टे संग पकड़ा दंपति, मोटरसाइकिल की सीट के नीचे छुपाया था नशा। फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना ने मालामाल किए किसान, प्रोजेक्ट से जुट बढ़ाई आमदनी। कभी भी टूट सकता है पुल, ब्रिज के दोनों तरफ तैनात किए पुलिस कर्मचारी। बाजार में बिना मास्क घूम रहे लोग, दुकानदार भी बेपरवाह, पुलिस ने कसा शिकंजा। कोरोना की चेन तोड़ने को करे 5 दिन का लॉकडाउन, प्रशासन ने व्यापारियों से चर्चा में दिए सुझाव। अब समाचार विस्तार से। डमटाल पुलिस ने मंगलवार शाम को भद्रोया में मोटरसाइकिल सवार दंपति को भारी मात्रा में चिट्टे सहित गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना डमटाल में तैनात प्रोफेशनल डीएसपी देवराज ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि जिसके आधार पर भद्रोया एरिया में रूटीन गश्त पर रहने के आदेश दिए। पुलिस की टीम जब भद्रोया गांव के पास गश्त कर रही थी तो इस दौरान एक मोटरसाइकिल आया जिस पर दंपति सवार थे। पुलिस ने जांच के दौरान मोटरसाइकिल की सीट को खुलवाकर तलाशी ली तो सीट के नीचे से एक पाउच में 16 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पकड़े गए आरोपी दंपति की पहचान अजय कुमार पुत्र सुदेश कुमार और उसकी पत्नी रीना निवासी भद्रोया के रूप में हुई है। हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण प्रोत्साहन परियोजना जिला बिलासपुर के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, जिसका स्पष्ट उदाहरण गुमारवी तहसील की परो पंचायत के गांव सुनौर में बनी बकरवा उप परियोजना है। किसान इस प्रोजेक्ट के माध्यम से सब्जी का उत्पादन करने सहित अच्छे पैसे कमा रहे हैं। हालांकि ये किसान पहले परंपरागत खेती करते थे जिससे उनकी आय इतनी अधिक नहीं थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट के आने से उन्हें तकनीकी जानकारी व उच्च गुणवत्ता वाले बीज मुहैया करवाए गए और किसानों को उनकी इनकम में कई गुना फायदा हुआ है। बिलासपुर के घुमारवी तहसील की पनो पंचायत के सुनौर के जीतराम ठाकुर ने सब्जी उत्पादन से कामयाबी हासिल की है। पहले भी यहाँ खेती करते थे, लेकिन जब से प्रोजेक्ट आया हुआ है तब से हम जो है काफ़ी पैसा कमा रहे हैं और इनके जो स्टाफ है वो कई बार यहाँ हमें प्रशिक्षण दे चुका है 25-26 बार। उसके बाद अभी भी आते हैं और हमें बताते हैं भी ऐसे करो, ऐसा इस तरह करें, ऐसा भी और बीज उपलब्ध करते हैं, बढ़िया बीज हमें देते हैं और इस प्रोजेक्ट के आने से हमें बड़ा फायदा हुआ। पैसा तो हम कमाते लेकिन अब हम और ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं इस प्रोजेक्ट के आने से, तो हमें इससे बहुत फायदा हुआ इस प्रोजेक्ट से। लोक निर्माण विभाग मंडल संगड़ा के अंतर्गत जिला मुख्यालय को जोड़ने वाला दुनोई पुल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक क्षतिग्रस्त हो चुका है, ये किसी भी समय टूट सकता है। प्रशासन द्वारा पुल के दोनों तरफ 2 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं जो यहां से भारी वाहनों को गुजरने से रोकेंगे। SDPO संगड़ा द्वारा पिछले सोमवार सायं इस बारे सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट के माध्यम से लोगों को सतर्क किया जा चुका है। उपमंडल संगड़ा में मौजूद 5 खदानों से हर रोज दर्जनों ट्रक अथवा टिप्पर लाइमस्टोन लेकर इस पुल के ऊपर से गुजरते हैं, जो इसके क्षतिग्रस्त होने का मुख्य कारण समझा जा रहा है। एक और पंचरुखी पुलिस ने बाजार में बिना मास्क के घूमने वालों और मास्क के बिना दुकानदारों पर भी शिकंजा कसा तो दूसरी ओर सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ती भी देखी गई। पुलिस ने सभी व्यापारियों को दुकान के बाहर गोले लगाने को और बिना मास्क के सामान न बेचने को चेताया था। आज पुलिस ने बाजार में गश्त लगाते हुए बिना मास्क व सामाजिक दूरी न बनाने वालों पर शिकंजा कसा। इस दौरान कुछ लोग सामाजिक दूरी के प्रति लापरवाह दिखाई दिए। दूसरी ओर पंचरुखी पहाड़ा मार्ग पर बस के इंतजार में खड़ी सवारियों ने सामाजिक दूरी की धज्जियां उड़ाई। जिला मंडी में COVID-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस चेन को तोड़ने के लिए कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अमल करने के लिए संबंधित व्यापार मंडल से सहयोग मांगा है। इसी कड़ी के तहत सुंदरनगर प्रशासन ने भी सुकेत व्यापार मंडल से संपर्क कर सुझाव दिया है कि या तो व्यापार मंडल स्वेच्छा से कोरोना की चेन तोड़ने के लिए 5 दिन का लॉकडाउन करे, अन्यथा सरकार के निर्देश के अनुसार सभी व्यापारियों और उनके कर्मचारियों के कोरोना टेस्ट किए जाएंगे। व्यापारियों के टेस्ट करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए करीब 20 दिन का समय लगेगा। अगर व्यापारी स्वेच्छा से 5 दिन का लॉकडाउन करते हैं तो वह इस लंबी प्रक्रिया से बच सकते हैं। हम सबको विदित है कि पिछले दिनों में हमारे कोविड के केसेस सुंदरनगर सब डिवीजन में काफ़ी बढ़े हैं। हमारे पास दो जो जगह हैं उसमें काफ़ी केसेज आए हैं, एक हमारा BBMB कॉलोनी तथा दूसरा जो है हमारा भोजपुर बाजार जो है। तो हमने कल अपील की थी व्यापार मंडल से कि हमें वो लोग बताएं ताकि हम लोग जो हैं वो व्यापारियों के जो हैं सभी के कोविड के टेस्ट करवा पाएं, लेकिन अभी भी उनकी तरफ से कोई रिस्पांस बहुत अच्छा नहीं आया है। तो क्योंकि हमने सभी के टेस्ट कराने हैं, टेस्टिंग को हमने बढ़ाना है। नॉर्मली तो हम लोग लगभग 100 के आसपास टेस्ट जो हैं वो डेली कर रहे हैं, लेकिन अभी भी व्यापारी वर्ग जो है वो आगे नहीं आ रहा है।
तो अगर केसेस इसी तरह से बढ़ते रहे तो हमें मजबूरन जो है वो सुंदरनगर बाज़ार में कंटेनमेंट जोन बनाना पड़ेगा। साथ में मेरी अपील इनसे यह है कि जितना जल्दी हो सके अपने टेस्ट ये करवा लें, ताकि कोविड टेस्ट करवाने के बाद हमें मालूम चल पाए कि कितने जो व्यापारी हैं वो इन्फेक्टेड हैं, ताकि हम आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा सके किसी भी तरह। हमने काफ़ी ऑफिसेज में टेस्ट कराए हैं, अभी हमारे पास मिनी सेक्रेटरीट रहता है तथा साथ में जो हमारे वार काउंसिल के मेंबर हैं उनके भी हमने टेस्ट करवाने हैं। फेज्ड मैनर में हम सभी ऑफिसेज के और सभी जगह हम टेस्टिंग जो है वो कर रहे हैं।